कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नवंबर मंथ 2021 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच मेट्रो हैज़ वन द अवार्ड फॉर बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन मेट्रो। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वो कौन सा मेट्रो स्टेशन है जिसको बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज और सेटिस्फेक्शन मेट्रो के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो को बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन मेट्रो के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम दिल्ली मेट्रो के बारे में बात करें तो मांगू सिन अभी MD है, DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर है और हिंदुस्तान के यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने मांगू सिन को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर टू, विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम COP 26 के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूके। यूके के ग्लासगो शहर में ये 1 से लेकर 12 नवंबर तक होस्ट किया गया था और होस्टिंग कंट्री जो है वो यूके है, जिसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच पार्टी रिटेन्ड इट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन जापान्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। अभी रिसेंटली जापान में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं उसमें से किस पार्टी ने मेजोरिटी को हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी को जापान में हासिल किया है। इसी के साथ साथ अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो जापान में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हासिल किया है और फुमियो किशिदा को जापान का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले वहाँ के जो PM थे उनका नाम था योशिहिदे सुजा और योशिहिदे सुजा से पहले शिंजो अबे थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद से योशिहिदे सुजा को टेम्प्रोरी PM बनाया गया था। फुमियो किशिदा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड भी हैं और उसी के साथ साथ जापान के जो अभी एम्परर है वो है नारुहितो। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2021। अभी हिंदुस्तान के वो कौन सा स्टेट है जिसने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केरला ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप किया है। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द 26th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट बाय द पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर के ज़रिए से अनाउंस किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है और ये एक बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो ये रिलीज़ करता है हर साल, जिसमें केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन हासिल किया है। ये टोटल 18 लार्जर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें यह है और सबसे आखिरी पायदान पे है, उस पर UP है। इसमें तीन चीज़ों को बेसिकली देखा जाता है जब हम पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं, तो इक्विटी को, ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को। तो इस मामले में केरला नंबर 1 पे है और UP जो है 18 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सुशील चंद्रा हैज़ रिसेंटली ओवरसीन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। अभी हिंदुस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा है वो किस शहर में गए थे, किस कंट्री में गए थे वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखने के लिए या इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटर के तौर पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटर के तौर पर, ऑब्जर्वेशन के तौर पर वो गए थे और वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था उज्बेकिस्तान में तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शौकत अली है, जिन्होंने 80% वोट को इलेक्शन में हासिल किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वर्ड हैज़ चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ये जितने भी डिक्शनरी है, खाओ कैम्ब्रिज हो, मेरियम हो, कोलिंस हो, ऑक्सफोर्ड हो, सब जो है वर्ड ऑफ द ईयर को अनाउंस करते हैं जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने जिस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है उसका नाम है वैक्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ और अगर हम डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कोलिंस डिक्शनरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NFT को इसने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने परसिवरेंस को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर
घोषित किया है। तो ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा डिक्शनरी जो है जिसने 2020-2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 7, G20 समिट 2021 हैज़ विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। 2021 में जो G20 समिट हुआ है वो कौन सा एनुअल इवेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 16। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इट हैज़ द 26th मीटिंग ऑफ G20 ग्रुप। द मीटिंग हैज़ हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी के अंडर में हुआ था। और कहाँ पे ये मीटिंग को होस्ट किया गया था? तो ये इटली शहर है, इटली ने इसको होस्ट किया था और इटली का भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह है मारियो द्रागी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन फिलान्थ्रोपिस्ट हैज टॉप द एडिल गिव हुरून इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट 2021। अभी रिसेंटली एडिल गिव हुरान इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट को रिलीज़ किया गया है, उसमें सबसे बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट हिंदुस्तान के कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अजीम प्रेम जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है या इसके साथ साथ हिंदुस्तान को हेल्प किया है बहुत ज़्यादा, खा वो कोविड कह रहा हो या उसके बाद कह रहा हो। और अजीम प्रेम जी जो है वह हिंदुस्तान के विप्रो के फाउंडर हैं और चेयरमैन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, लोलिना भार्गुइया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। अगर हम लोलिना भार्गुइया के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की तरफ से मेडल भी जीती है और 2021 का ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको 1991-92 में सबसे पहली मरतबा इस्टेब्लिश किया गया और जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो 2021 में बहुत सारे स्पोर्ट्स अवार्डी हैं राजीव ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के, उसमें नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मिताली राज जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सुनील छेत्री जिनका एसोसिएशन फुटबॉल से है। मनप्रीत सिंह जिनका एसोसिएशन हॉकी से है, हॉकी के कैप्टन भी रहे थे। पीआर श्रीजेश जो गोल कीपर थे हिंदुस्तान के हॉकी की तरफ से। ओनी लखेरा जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत इन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल इन्होंने भी अगर हम बात करते हैं जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया जो रेसलर है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक टोक्यो में सिल्वर जीता था। इसी के साथ साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 2021 का नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहली मर्तबा जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था वो 29 अगस्त को किया गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 10, साउथ अफ्रीकन ऑथर दामन गलगुत विंस बुकर प्राइज फॉर। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के ऑथर मुसन्निफ राइटर दामन गलगुत ने बुकर प्राइज़ को जीता है, किस बुक के लिए, किस नोवेल के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, द प्रोमिस। अगर हम द प्रोमिस के बारे में बात करते हैं तो ये दामन गलगुत का बहुत फेमस नोवेल है, इन्होंने लिखा है। और इसमें ख़ास तौर से जिम्बाब्वे में जो अपार्थाइड दौर था या उसके बाद से फिर जैकब जुमा का जो पीरियड आया अफ्रीका में, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने उसमें लिखा है, दिखाया है। और उसी के साथ साथ 2020 का बुकर प्राइज़ के बारे में हम बात करते हैं तो डॉगलस स्टुअर्ट्स को उनके नोवेल सूजी बेन के लिए बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखना ज़रूरत है, दामन गलगुत जो है वो साउथ अफ्रीका के है और उन्होंने अपनी किताब जो नोवेल लिखा है उसका नाम है द प्रोमिस, उसी को 2021 बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस अ बिल टू डिक्लेयर दिवाली अ नेशनल हॉलीडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो भी अपने कंट्री में नेशनल डे के दिवाली को नेशनल हॉलीडे के तौर पे सेलिब्रेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ वॉन द अर्जुना अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। अभी 2021 में अर्जुना अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, शिखर धवन।
क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूके ने 5 यूरो का एक सिक्के को लॉन्च किया है जिसके ज़रिए से वो महात्मा गांधी और उनके लाइफ उनके लेगेसी को कमेमोरेट कर रहा है सेलिब्रेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 420 विकेट्स ड्यूरिंग हिज टीम्स क्रूशियल सुपर 12 इनकाउंटर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दुबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 30 कंट्रीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। अभी ये अगर हम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो ये पहली मर्तबा ये एडिशन को जारी किया गया है जिसमें 30 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 18वें पायदान पर है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 33 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया जिसमें से हिंदुस्तान की रैंकिंग 18 है, और इसको जो संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करने वाली है उनका नाम है हरम रिडक्शन कंसोर्टियम, जो नवंबर में इन्होंने रिलीज़ किया। और इसमें सबसे पहले पायदान पर जो है वो नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली, और इसी के साथ साथ 18 नंबर पर हिंदुस्तान का पोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश बिकेम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वांग यापिन जो है पहली मर्तबा चाइनीज वुमेन है जो एस्ट्रोनॉट के तौर पे स्पेस में गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। हिंदुस्तान में हर साल शिक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 11 नवंबर को हर साल हिंदुस्तान में नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो रीज़न है वो यह है, इन इंडिया द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, और वे हिंदुस्तान के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए जिनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, और वह यंगेस्ट INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष भी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अभी रिसेंटली किनको नेवल स्टाफ का चीफ बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, आर हरिकुमार। आर हरिकुमार से पहले हिंदुस्तान के जो नेवल के हेड थे वो थे एडमिरल करमबीर सिंह, और ये आर हरिकुमार जो है वो 25th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, USA बिकम्स डैश मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अमेरिका जो है सोलर अलायंस का कौन सा मेंबर बना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 101, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब टोटल 101 कंट्री मेंबर बन चुके हैं। तो इसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA है ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इज अ मेंबर ऑफ कंट्री, इज नाउ द 21st कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द ISA। ISA के हेड क्वार्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है गुरुग्राम में। इसी के साथ साथ ISA के जो बुनियाद रखी गई वह पेरिस फ्रांस में रखी गई, और नरेंद्र मोदी और उस वक्त के फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांकोइस होलांडे, उन दोनों का योगदान बहुत ज़्यादा था। फिर बाद में इमैनुअल मैक्रोन ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ISA का जो फाउंडेड नवंबर डेट है वह है 30 नवंबर 2015 को स्थापना किया गया, और अभी ISA के डायरेक्टर जनरल जो है वह है अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट डैश स्पॉट इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022। हिंदुस्तान का 2022 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन से पायदान मिला है, किस पोजीशन पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 10।
10 नंबर पे है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड ए 10th स्पॉट इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI रिलीज्ड बाय द जर्मन वॉच ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP26 के जो चीज़ें थी उसी के बेस्ड पे इसको मेज़र किया जाता है कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस में कौन सी कंट्री क्या कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसी के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग दी जाती है। तो इस साल भी शुरू के जो 3 पायदान है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो खाली है क्योंकि जो चीज़ें थी उसको वो कोई कंट्री फुलफिल नहीं कर पा रही है। डेनमार्क ने चौथे स्थान को पाया है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है। स्वीडन जो है 5th नंबर पे है, नॉर्वे जो है 6th नंबर पे है और हिंदुस्तान के जो रैंकिंग है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम CISF के नए भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, शीलवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये अभी रिसेंटली बुक को लॉन्च किया गया है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस किताब को पब्लिश न करने दिया जाए। इसके जो राइटर है वो है सलमान खुर्शीद, और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे मंत्रालय को उन्होंने संभाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सनराइज, बुक के जो नाम है वह है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, और इसके जो ऑथर हैं वह है सलमान खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 23, अ बुक टाइटल नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंस इंडिया इज को ऑथर्ड बाई। अभी रिसेंटली एक और बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसका राइटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, त्रिपुरदमन सिंह एंड आदिल हुसैन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। और इस बुक के ज़रिए से आप खास तौर से जो हिंदुस्तान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे और किस तरीके से हिंदुस्तान के पॉलिटिकल विज़न को शेप दिया और ओपोजिशन के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप इस किताब के ज़रिए से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेस एक्स लॉन्च्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट डैश लेड क्रू 3 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजा चारी को, स्पेस एक्स जिसके हेड एलन मस्क है, उन्होंने नासा के साथ मिलकर उनका स्पेस एक्स का जो मिशन है क्रू 3 को वहाँ पे राजा चारी को भी भेजा था 10 नवंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल DG ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो NCB के अभी डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सत्यनारायण प्रधान को अभी रिसेंटली NCB का डायरेक्टर बनाया गया है, जो 2024 तक इस पोजीशन पे इस पोस्ट पे बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फ्रांस। ये बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति जो है वह हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान में आयोजित किया जाता है, और ये इस साल जो है 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर में फ्रेजुस फ्रांस में आयोजित किया गया, और ये नेवल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 27, द हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इन विच सिटी इज़ दिस रेलवे स्टेशन लोकेटेड। अभी रिसेंटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये किस शहर में वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भोपाल। इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है इसको रीनेम्ड कर दिया गया है। 18th सेंचुरी के गोंड क्वीन थी भोपाल की रानी कमलापति, उन्हीं के नाम पे इस स्टेशन को हबीबगंज नाम से चेंज करके अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वांगला फेस्टिवल को हिंदुस्तान के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मेघालय। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि मेघालय स्टेट जो है हर साल वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, और ये
पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जैसे हार्वेस्टिंग सीजन ख़त्म होता है उसके बाद से इस वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है गारो ट्राइब्स के ज़रिए से। तो गारो ट्राइब्स मेघालय के एक बहुत ही कॉमन ट्राइब है, कबीला है, और इसी के साथ साथ ये जो सेलिब्रेट करते हैं उनका रीज़न क्या होता है कि गारो का एक सन गॉड है जिनको सलजोंग के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की याद में ये वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का भी मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे अब हार्वेस्ट सीजन जो है वो ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज़ अवार्ड। अभी 2021 का इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज़ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विहान अग्रवाल एंड नाव अग्रवाल। ये दोनों दिल्ली के दो भाई हैं जिनमें से विहान 17 साल के हैं और नाव अग्रवाल 14 साल के हैं। इन दोनों लोगों को 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। और उसका रीज़न ये है कि फॉर टैकलिंग पोल्यूशन इन देयर होम सिटी बी बाई राइस रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट जितने भी होते हैं उसको रिसाइकल करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस वजह से उन दोनों को 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए। तो अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है ये करवाल खेरी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उसी के नाम पे इसको रखा गया है। एंड इट विल कनेक्ट लखनऊ विथ गाज़ीपुर। 341 किलोमीटर का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा जो लखनऊ को गाज़ीपुर से कनेक्ट करेगा, और टोटल 22,000 करोड़ जो है इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच फिल्म हैज़ बीन स्क्रीन एट द इंडियन पनोरमा सेगमेंट इन द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कुजांगाल। अगर हम कुजांगाल के बारे में बात करते हैं तो तमिल फिल्म कुजांगाल हैज़ बीन स्क्रीन एट द इंडियन पनोरमा सेगमेंट इन द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा, और इसी के साथ साथ ये हिंदुस्तान की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है एकेडमी अवार्ड्स फॉर ऑस्कर के लिए, ऑस्कर के लिए भी इसका एंट्री हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द ICC मेन्स क्रिकेट कमेटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सौरभ गांगुली को अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और इससे पहले ICC के जो चेयरमैन थे वो थे अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 33, वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ 2021 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग, जिसको हम ट्रेस मैट्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 82, यानी कि हिंदुस्तान का जो पायदान है वो बिरासुआ है, 82 नंबर पे है। और थोड़ा सा मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर हम जाने इसके बारे में तो वो ये है कि हिंदुस्तान ने 194, ये 94 नहीं है, टोटल 194 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 82 है, 82 है। और हिंदुस्तान 2020 के से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो उस वक्त 77 रैंकिंग पे था लेकिन अभी 82 रैंकिंग पे हो गया है। और इसी के साथ साथ जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली कंट्री है वो है डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे 2 पे है, स्वीडन जो है 3 पे है, और नॉर्थ कोरिया जो है 194 पे है। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंडिया होस्ट करने वाली कंट्री है 2021-31 के वर्ल्ड कप को। इंडिया विल को होस्ट 2031 50 ओवर वर्ल्ड कप। इसी के साथ साथ 2026 का ICC T20 वर्ल्ड कप होगा, उसको भी हिंदुस्तान होस्ट करेगा, और 2029 का ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा उसको भी हिंदुस्तान ही होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ ऑथर्ड हर फर्स्ट नोवेल लाल सलाम अ नोवेल। इसको रिसेंटली अभी ये किसने लाल सलाम लिखा है जो उनकी पहली नोवेल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर हम जानें तो लाल सलाम अ नोवेल इज़ नवंबर 2021, द नोवेल इज़ इंस्पायर्ड बाई द
किलिंग ऑफ 76 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को 76 सीआरपीएफ को मार दिया गया था एक माओइस्ट अटैक के जरिए से दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में 2010 में हुआ था। उसी से इंस्पायर्ड होकर और उन्हीं के कहानियों के ऊपर ये बेस्ट की ये किताब है जो नॉवेल का फॉर्म में स्मृति ईरानी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जियोफ अलार्डिक को सीईओ बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनिता देसाई के 50 साल का योगदान को देखते हुए 2021 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रथम ये एनजीओ है जिसको 2021 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। प्रथम हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021। प्रथम इज़ डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ख़ास तौर से एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह प्रथम काम करता है और जो भी हिंदुस्तान के या आउट ऑफ हिंदुस्तान जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको ये शिक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डेविड टनांट को 2021 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये अगर हम बात करें कि ये 49th एडिशन था एनुअल जो न्यूयॉर्क में मुनक्किद हुआ होस्ट करने वाले जो शहर है वो न्यूयॉर्क सिटी है। बेस्ट एक्टर जो है डेविड टेनांट बने थे, इन्होंने मूवी जो बनाई थी देश, और इसी के साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो नॉमिनेट की गई थी वो है जिनको सिलेक्ट किया गया वो है हाइली एस्क्वायर्स फॉर एडल्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु ने कर्नाटका को शिकस्त देकर हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता। क्वेश्चन नंबर 41, विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द 2021 ATP फाइनल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर जेवेरो को 2021 का ATP फाइनल्स टेनिस का अवार्ड जीते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अलेक्जेंडर जेवेरो जो है वो जर्मनी के हैं, उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 2 खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जो रशिया के हैं उनको शिकस्त देकर ATP फाइनल्स टाइटल को जीता था जो तुरियन इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, विच सिटी पताल पानी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड आफ्टर ट्राइबल आइकन तांतिया भील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंदौर जो शहर है स्टेशन जो है उसका नाम चेंज करके अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये अनाउंस किया है कि वो इंदौर पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके तांतिया भील जो कहीं ना कहीं वहाँ के ट्राइबल के लिए आइकन के तौर पर माना जाते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम रोल भी किया था और जिसको इंडियन रोबिन हुड के भी नाम से जानता है, ट्राइबल लोग उनको इंडियन रोबिन हुड के नाम से भी जानते हैं, तो पताल पानी रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज करके अब जो है तांतिया भील कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जेवार एयरपोर्ट है ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो नेशनल कैपिटल रीजन में है और इसी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY टिलविच पीरियड। अभी हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मार्च 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये लोगों को लग रहा था कि अभी भी कहीं ना कहीं कोविड से लोग उबर नहीं पाए हैं जिसकी वजह से इसको और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 26 नवंबर को हर साल हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका रीज़न ये है कि 26 नवंबर को ही इसको अडॉप्ट किया गया था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद से इम्प्लीमेंट जो किया गया वो 26 जनवरी से किया गया। इस वजह से 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल मिल्क डे इज कमेमोरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन नवंबर 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वर्गीस कुरियन के नाम पे हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्गीस कुरियन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ऑफ इंडिया के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 2014 से उनके बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वो फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन भी है, और वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड के और हिंदुस्तान के बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, कृषि रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, रामन मैगसेसे अवार्ड, ये सब वो अवार्ड है जिनसे उनको सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 47, 37th एडिशन ऑफ कोरपाट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन हेल्ड इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के दरमियान में यह कोरपाट नेवी एक्सरसाइज होता है, और ये सबसे पहली मरतबा जो किया गया था 2002 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, हु रोट द बुक टाइटल कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मारूफ रज़ा, ये रिटायर्ड आर्मी हैं, और इन्होंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में समझा हिंदुस्तान और चाइना के बारे में, तो उन तमाम चीज़ों को कि क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट क्यों है लैंड को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को मारूफ रज़ा ने कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट में लिखने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 49, विच नेशन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड शेख सबा अल खालिद अल हामिद अल सबा एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुवैत। कुवैत ने इनको अभी रिसेंटली वहाँ का पीएम नियुक्त किया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत तो बन गए हैं, लेकिन उससे पहले ये कुवैत के जानिब से सऊदी अरबिया में एम्बेसडर भी रहे थे, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वहाँ पे भी 1995 से लेकर 1998 तक वो एज अ एनओए के तौर पर काम किया था। और ही हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड विद द ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ ऑफ फर्स्ट क्लास इन 1998 बाई सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द डेलीगेट फॉर एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरपोल। अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरपोल के लिए हिंदुस्तान के जानिब से किन को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है परवीन सिन्हा। अगर परवीन सिन्हा के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ये स्पेशल डायरेक्टर है परवीन सिन्हा, जिनको इंटरपोल का डेलीगेट के तौर पे नियुक्त किया गया है। और इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है, और हिंदुस्तान के CBI के अभी जो डायरेक्टर हैं वो सुब्रत जायसवाल हैं। इसी के साथ साथ आपको अगर कुछ फीडबैक देना है या आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ताकि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।